तो अभी जस्ट डीजे बी सी वाई टी ने एक वीडियो बनाया और उसने रीजन और सब बताया कि क्यों मेरे चैनल पर 3 स्ट्राइक दिया है। तो उन सब सवाल का जवाब देने वाला हूँ, उसने जो जो बोला ना सबका जवाब देने वाला हूँ कि मैंने वैसा क्यों बोला, किस लिए मैंने एक्सपोज वगैरह सब किया। अब सबसे पहले देखो एक बात का मैं जवाब दे देता हूँ, उसने जो बोला कि पहले ये खुद फेक वीडियो वगैरह सब बनाता था, हाँ तो सबको पता है, मैं मानता हूँ कि मैं फेक वीडियो बनाता था क्योंकि पबजी मोबाइल लाइट में वही चलता था, अभी भी चल रहा है। लेकिन जैसे मेरा चैनल डिलीट वगैरह सब हुआ ना, और जब मेरा चैनल इतना बड़ा था, 2 लाख 51 सब्सक्राइबर था, फिर भी व्यूज वगैरह सब कम आ रहा था, तो मुझे पता था कि क्यों मेरा चैनल डेड हुआ, क्यों इतना ज़्यादा कम व्यूज वगैरह सब आ रहा है, क्योंकि मैं फेक वीडियो बनाता था। फेक वीडियो से बहुत जल्दी बूस्ट हो जाता है, व्यूज वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाता है, बट मुझे पता था कि चैनल एक ना एक दिन डेड होगा, और फेक वीडियो बनाने की वजह से मेरा चैनल डेड हुआ था, मैं समझ गया था। तब भी से मैंने कसम खा लिया था कि मैं कभी भी फेक वीडियो वगैरह सब नहीं बनाने वाला, रियल ऑडियंस बनाऊंगा, बस रियल एंड जेन्युइन वीडियो हमेशा बनाऊंगा, क्योंकि यार मुझे रियल सपोर्टर चाहिए, ऐसे फेक सपोर्टर नहीं चाहिए। और इसलिए मैं फेक वीडियो कभी नहीं बनाता, जब से मेरा ये वाला चैनल है मैं कभी भी फेक वीडियो नहीं बनाता, बस रियल वीडियो बनाता हूँ। और फेक जो बनाता है उसको भी मैंने उस वीडियो में ना एक्सपोज मैंने किया था, उस वीडियो मैंने समझाया भी था, मैंने बोल दिया था कि अभी तो भले व्यूज आ रहा है लेकिन उसके अच्छे के लिए मैंने बोला था कि सुधार जाओ, अच्छे वीडियो बनाओ, अच्छा वीडियो बनाओगे तो अच्छा ऑडियंस रहेगा, फेक वीडियो बनाओगे तो कभी भी चैनल पूरा डेड हो सकता है। मैंने अच्छा बात बोला था भाई साहब, बुरा इसलिए उसको लग गया कि मैंने उसके ऑडियंस को चूतिया बोल दिया। तो मैं बताता हूँ क्यों मैंने बोला, क्योंकि आप लोगों को भी साफ साफ पता होगा कि वो सच में फेक वीडियो था, फेक लीक्स था भाई। इवेंट में कोई फ्री में बीसीए विनर पास वगैरह सब, और जो लेजेंडरी फ्रेम दिखाया था उस वीडियो में उसने, टेकिंदी कुतुब ने, वो नहीं आने वाला। मैंने ठोक कर बोला था कतई कि वो सब जिंदगी में कभी भी नहीं आने वाला, फेक वीडियो वैसे साफ साफ पता चलता है। और वो जो है अपने वीडियो में 280 बीसी का गिवे वगैरह सब, बीसी का गिवे वगैरह सब करता है ना, इसलिए उसका ऑडियंस देखते अच्छा अच्छा कमेंट करते, इसलिए मैंने बोला था कि भाई क्या अंधे है, इसका ऑडियंस वगैरह सब चूतिया है एकदम, फेक वीडियो है सबको पता है फिर भी अच्छा कमेंट कर दे, इसलिए बस बीसी के लिए, इसलिए मैंने बोला था। हाँ तो यही बात है ना कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, किसी का भी ऑडियंस हो, कोई किस कैसा भी वीडियो बनाता हो। तो हाँ मैं अभी समझ चुका हूँ। तो सबसे पहले टेक हिंदी को तम भाई, आपको सॉरी, पूरा लगा हो तो, अब कोई कैसा भी वीडियो बनाए मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, फेक वीडियो बनाओ या फिर रियल वीडियो बनाओ, अब जैसा चलेगा पबजी मोबाइल लाइट में वैसे ही हम भी बनेंगे, हम भी फेक वीडियो बनाएंगे, दिक्कत नहीं है। बाकी अब नेक्स्ट बात रही डीजे बी सी वाई टी, उसको मैंने हरामी बोल दिया था वो बात। अब तुमने हैप्पी न्यू ईयर वाला इवेंट निकाला, वो सबको पसंद आया कि हाँ सही है भाई साहब, हैप्पी न्यू ईयर वाला इवेंट आएगा ये किसी को नहीं पता था, लेकिन तुमने इवेंट निकाला, लीक निकाला, वो सच हुआ सही है। तुम अगर बस ऐसे वीडियो बना देते, ऐसे लीक निकालते कि एक न्यू हैप्पी न्यू ईयर वाला इवेंट आने वाला है फर्स्ट टाइम ऐसे, तो कसम से बोल रहा हूँ वो आया भी, सब लोग तुम्हें सपोर्ट भी करते। लेकिन उस इवेंट में क्या था, फ्री बी सी, फ्री विनर पास वगैरह सब। अब कोई भी जो बच्चा है ना वो भी सोच लेगा कि भाई पबजी मोबाइल लाइट वाले इतना ज़्यादा कंजूस है, वो फ्री में बीसी विनर पास वगैरह सब देंगे क्या, इसलिए मैंने फेक लीक उसको बोला था। और तुम डाटा माइनर हो, किसी भी इवेंट में जो कुछ भी रिवॉर्ड वगैरह सब, तुम रिवॉर्ड आराम से चेंज कर सकते हो, और इसलिए मैंने बोल दिया था कि अपने मजे के लिए कुछ भी रिवॉर्ड वगैरह सब चेंज कर देते हैं, क्योंकि वीसी वगैरह सब दिखाएंगे तो व्यू ज़्यादा आएगा ना, मैंने बोल दिया साफ साफ। और मैंने इसलिए मजाक में बोला था कि मेरा फ्रेंड हरामी है ऐसे। अब भाई मुझे समझ नहीं आ रहा हरामी वर्ड एक गाली है क्या, गाली कैसे लग गया। अब देखो समझा दूँ, जहाँ से मैं हूँ ना इधर ये सब कॉमन है पूरा, हरामी वर्ड, बेटी चोद वर्ड, ये सब जो है ना मजाक मस्ती में बोला जाता है फ्रेंड वगैरह सबको, और मैंने तुझे फ्रेंड माना था इसलिए मैंने बस हरामी बोल दिया था। अगर मुझे गाली देना होता ना सच में, मेरा गाली देने का इंटेंशन होता तो मैं बुरा भी गाली दे सकता हूँ जैसे कि मैं देता हूँ, लेकिन जब किसी के ऊपर गुस्सा रहता हूँ, तुमने थोड़ा ना कुछ गलत काम किया है, थोड़ा ना किसी को मार वगैरह सब दिया है, जो मैं सच में गुस्से में गाली दू गंदा गंदा ऐसे वैसे, मैं तो मजाक में फ्रेंड सोच के हरामी बोल दिया था, क्योंकि मैं सब फ्रेंड को हरामी उरामी ऐसे बोलता रहता हूँ, मेरा आदत है। आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते होंगे तो आप लोग को पता होगा मैं ऐसे ही हरामी उरामी बोलता रहता हूँ अपने वीडियो में, क्योंकि मेरा आदत है कसम से। बट उससे बुरा लग गया तो यार क्या ही कर सकते हैं, डीजे बी सी वाई टी तुम्हें भी सॉरी। बाकी देख तू अच्छा लीक निकालता है, रियल लीक निकालता है विनर पास का, तो उसमें मैंने तारीफ भी करा था, जिस विनर पास वाले वीडियो पर भी स्ट्राइक दिया है ना, ओला वीडियो तो जाकर देखना, मैंने तारीफ भी किया था क्योंकि वो रियल लीक था। अब रियल लीक को मैं सपोर्ट करता हूँ, बट फेक को क्या बोलूँ, मैंने बोल दिया था। बाकी देखो सब बात तो मैंने क्लियर कर दिया, अब बात रही पबजी मोबाइल लाइट वालों को गाली देने का, तो गाली खाने लायक है तो इसलिए गाली देते हैं, सब लोग देते हैं, मैं ही नहीं देता, सब लोग देते गाली। अभी कोई और बात क्लियर करना बाकी रह गया फिर पता नहीं, लेकिन हाँ जो बात था सबका मैंने जवाब दे दिया कि मैंने क्यों ये सब करा, क्यों मैंने ये सब बोला था। अभी चलो भाई साहब अगर स्ट्राइक हट जाए तो सही रहेगा, कल से जो एकदम तगड़ा तोरम फोर वीडियो आएगा, डेली 2-3 वीडियो आएगा। चलो यार अभी के लिए बाय बाय।